फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानिक मेहता। आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खुशी की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में मिस्टर आशीष बैठे हैं, जो हमारे साथ 18 दिसंबर 2023 को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एक इमरजेंसी हार्ट अरेस्ट के केस में की तरह से आए थे, और आज की तारीख जो है 6 फरवरी 2024, करीबन 50 दिन के ऊपर के बाद, पूरा स्ट्रगल करने के बाद और अच्छी रिकवरी के बाद अभी वो घर जाने की तैयारी में है। उनके केस के बारे में मैं दो लफ्ज बोलूंगा। जिस हालत में आए थे वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, इमरजेंसी में पहुंचे, उनको इमरजेंसी में ही कार्डियक अरेस्ट हुआ, वहीं बेहोश हुए। फॉर्चुनेटली हमारी इमरजेंसी टीम ने उनको एक वर्ड होता है CPR, जो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, उसको करके और बहुत मेहनत के बाद वो रिवाइव किया। उनको हमने ICU शिफ्ट किया। ICU में वो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, उनको न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी हुआ, और हार्ट जब हमने जांच किया तो पता चला कि हार्ट की पंपिंग बहुत ही कमजोर थी। उनको महीने भर से ऊपर वो ICU में रहे हमारे साथ। उनको धीरे धीरे हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें हमारी न्यूरोलॉजी टीम है, पल्मोनोलॉजी टीम है, क्रिटिकल केयर टीम है और कार्डियोलॉजी की तरफ से, हम लोगों ने पूरी मेहनत करके उनको इस स्थिति में लेके आए कि आज वो घर के जाने की तैयारी में है। अभी करीबन महीना भर लगा उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ी बीच में, उसके बाद आखिर में उनको हमने ट्रिकोस्टोमी भी करनी पड़ी, और इस दौरान वो बातचीत बिल्कुल उनकी नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ दिन से ही, एक दो दिन से ही वो बातचीत कर पा रहे हैं। ग्रेजुअली उनकी ब्रेन की रिकवरी पूरी 100% हो गई है, हार्ट का इलाज चल रहा है, और अभी हम उनको आज या कल घर भेजेंगे। अब मैं अब मिस्टर आशीष को बोलूंगा कि दो लॉज वो भी बोलेंगे, और उनके बगल में उनके फादर इन लॉ हैं मिस्टर आनंद, दो लॉज वो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आशीष आप बताओ। It was very interesting story, and to be honest, the more you love, the more love you are remembered. It's only love that will be. तो आपको आइडिया कुछ लग गया होगा कि आशीष किस मुश्किल स्थिति से निकल के आए हैं। लेके चलो कि पहले हफ्ते में तो कंडीशन इतनी सीरियस थी कि हम भी उनको और घर वालों को नहीं बता पा रहे थे कि आउटकम क्या होगा, पर पूरी एफर्ट्स के बाद, और हम लोगों का एफर्ट और आशीष का एफर्ट और घर वालों का एफर्ट, ये सब कंबाइंड और टीम एफर्ट के साथ ही आज के इतने खुश नसीब रिजल्ट पे पहुंचे हैं। अब मैं आनंद जी को ही बोलूंगा कि वो भी कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में दोनों से बोले। इस पोजीशन में बेटा हमारा यहाँ पे एडमिट हुआ और जो आज भी सर हम इतना फकर इतना खुश है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत इन लोगों ने, डॉक्टरों ने, पूरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। हमें पत्र भी इनके बहुत ज्यादा इनको एहसान मान लिया कि हमारा बेटा ठीक है। थैंक यू आशीष, एंड मैक्सिमम क्रेडिट इज टू यू, बाकी हम लोग तो देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, आप लोगों का सारा आशीर्वाद रखता हूं।